तो अभी मैं अब सबसे पहले अपने बाल बनाती हूँ, और बहुत टाइम से ना मैंने अपने बाल नहीं बनाए हैं, ये आलस बोलो या कुछ और चीज। गाइस ये देखो ताऊ चढ़े हैं यहाँ पेड़ में, ये पूरे टॉप में गए बताओ। ये पहले का था ये अभी का है, कितना अंतर है, ये पूरा काला हो गया, पूरी मिट्टी है इसके अंदर ही। सेम ही, और एक साल बाद ये भी काला हो जाएगा, ये भी ऐसा हो जाएगा, ऐसा ही है भैया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, तो आज ना मैं बहुत दिनों के बाद सुबह 7 बजे उठ रहा हूँ। और वैसे भी रात के 2 बज रहे हैं, तो पूजा के पेट में दर्द हो गया अचानक, तो अभी मैं पूजा के लिए गर्म पानी लेके जा रहा हूँ, अजवाइन दूंगा उसको, क्योंकि गोली तो है नहीं दर्द की। पूजा लो, दर्द कितनी हो रही है? तो वैसे भी पूजा को मैंने अजवाइन दे दिया है, और ये रहा गर्म पानी, लो। और गैस हमारे वहाँ ना बड़ी दिक्कत है, क्योंकि हमारे गांव में ना मेडिकल स्टोर नहीं है, दवाई की कोई भी फैसिलिटीज नहीं है, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या हुआ? दर्द होती। तो क्या करें, फिर दिखा लें? दिखा लें? गोली गोली नहीं है, अभी गर्म पानी अजवाइन दिया, आराम मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर बताना, दिखा लेंगे। और गाइस यहाँ पर रही पूजा, और पूजा बना रही मम्मी के लिए नाश्ता। और तुम्हारे पेट में दर्द कैसा है? सही है, परफेक्ट हो, मतलब फिट हो, या दर्द हो रही है हल्की हल्की? मैं तो सही है। और गाइस यहाँ पर मम्मी पूजा पाठ कर रही है, और मम्मी का तो सुबह उठ के नहाना धोना पूजा पाठ करना, तो सुबह सुबह मम्मी उठ के ना पूजा पाठ करती है, डेली का नियम है मम्मी का। तो गाइस सबसे पहले मम्मी के लिए नींबू पानी बनाए, मम्मी सुबह सुबह नींबू पानी पीती है। तो गाइस ये रहे नींबू जो कि हम लेके आए थे पूजा के मायके से। तो गाइस ये बन गया मम्मी का नींबू पानी, इसमें है नींबू और शहद, ये ले स्पेशल नींबू पानी है तेरे लिए। अच्छा, सही से सही से। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस कल रात ना मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, 9 बजे से मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैंने खाना पीना भी नहीं खाया, मैं ऐसी सो गई, और रात के 1-2 बजे के टाइम पे इतनी पेट में दर्द हो गई ना कि मुझसे सहन नहीं हो पाया। तो फिर जाके हस्बैंड जी ने मुझे अजवाइन का पानी दिया, गर्म पानी, तो अजवाइन का पानी पी के मुझे राहत मिली, और तब जाके मेरी तबीयत जो है सही हो गई। तो मुझे लग रहा है कि कल रात मेरे पेट में गैस हो गई थी, इसी वजह से दर्द हो रही थी। और यहाँ पर अभी मम्मी जी ड्यूटी के लिए रेडी हो रहे हैं, तो मैंने मम्मी का टिफिन वगैरह भी पैक कर दिया है। तो गाइज आज ही उठे हैं 7 बजे, और दिनों उठते थे 9 बजे 8 बजे 8 बजे भी क्या, 8:30 बजे जब मम्मी ड्यूटी को जाने लग जाते हैं तब उठते। मम्मी टाइमिंग क्या है? 8:15 जाने। तो हबर तबरी तो करती हूँ तेरे को मैं। हाँ, उठ उठ उठ, चल चल चल, बिना पेस्ट के ऐसे दौड़ जाते हैं बाइक में। सॉरी, माफ करो गाइस, माफ कर दो, फ्रेश बनो, तब तुम्हारे जो नेचर है वो भी सुधरेंगे जरा। और क्या नेचर की लड़ाई कर रहे हैं? मम्मी को प्रणाम करो सुबह। मैं मम्मी को डेली प्रणाम कहता हूँ। प्रणाम होता है सबको अपनी जगह पे, लेकिन आदर संस्कार किससे बनते हैं? इन्हीं चीजों से बनते हैं। समय से उठो, अपने हर चीज की इज्जत करो, कपड़े से लेकर के खान पी चलना फिरना सबकी इज्जत है। भगवान ने एक छतर छाया बनाई है। तो सुन लो, बात को ध्यान में रखो, कल से 6 बजे उठना, ठीक है? ओके। तुमको तो शिकार है, हमें तो सिखाने वाले भी नहीं थे, खुद ही सीखे हैं हम। और गाइस अभी मम्मी को स्कूल पहुंचा के मैं घर भी पहुंच गया हूं, तो अभी अच्छे खासे धूप भी निकल गई है। ये कहां चले गए? हेलो भाई साहब, पेस्ट चल रहा है तुम्हारा? ठीक है ठीक है, करो करो पेस्ट। अरे ब्रश तो बड़ा हो गया पूजा, इसके मुँह से और कर, ओ हाँ। इसका गुल्ला भी कर ले, गुल्ला करेगा पहले और करेगा पेस्ट। अरे ब्रश बड़ा हो गया पूजा, कर इसको खाना मत, एक और कर ले गुल्ला, एक और गुल्ला करेगा, पहले थोड़ी देर तक पेस्ट करते हैं तब गुल्ला करते हैं, एक और कर ले गुल्ला, ये करना। अरे दांत तो चमक गए बच्चे के हमारे। बाबा हाँ? बबू तो नहीं आ रही है, बदबू नहीं आ रही है। ठीक है ठीक है, तो होशियार हो गया है, वो पेस्ट कर ले रहा है। अब ये मेरा ब्रश ना तेरा हो गया, ठीक है, तू इससे पेस्ट करेगा रोज, इससे ये तेरा ब्रश हो गया नीला वाला मेरे। हाँ। और गाइस अभी मैं 4 बजे बाहर लेके आ गया हूँ, तो यहाँ पे वंशु नाश्ता कर रहा है। तो गाइस ये रहा वंशु का नाश्ता, स्पेशल खिचड़ी है। वंशु का नाश्ता कभी चेंज नहीं होता है, वंशु का नाश्ता एक ही रहता है। वंशु हमारा खाता है दलिया खाता है, खिचड़ी खाता है, बस दो ही चीज खाता है, रोटी नहीं खाता है, पराठे नहीं खाता है।
और गाइज अभी मैंने वंशु को खिचड़ी भी खिला दी है, तो अभी ये 2-3 घंटे तक आराम है, क्योंकि 2-3 घंटे बाद ही इसको मैं कुछ खाना खिलाऊंगी। तो अभी मैं अब सबसे पहले अपने बाल बनाती हूँ, और बहुत टाइम से ना मैंने अपने बाल नहीं बनाए हैं, ये आलस बोलो या कुछ और चीज, लेकिन बालों में ना थोड़े जट्टे टाइप के हो रहे हैं, तो आज मैं सोचूं तेल लगा के बालों को बनाऊं और उसके बाद से कल को सर धोऊं। तो क्या होता है ना, मैं वैसे ऊपर को मुट्ठा बना देती हूँ और बाल बने जैसे दिखते हैं तो बनाती नहीं हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन बना लेती हूँ, कभी रोज बनाती हूँ। तो सबसे पहले बालों में तेल लगाएं। और गाइज आपको एक बात बताऊँ, इतने आलसी है मैं उनसे खाना खिला रही हूँ, तो ये नहीं कि मैं अपने लिए नाश्ता लगा लाऊं, बस पूजा ही करेगी सब कुछ, मुझे देखे रहते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन इन्होंने कुछ काम है मेरी हेल्प नहीं की, बस बैठे मेरे को देख रहे हैं। शादी मैंने क्यों कर रखी है, ताकि पत्नी पति की सेवा करे। अच्छा, अगर सब काम मुझे करते तो मैं शादी नहीं करता। जब फेरे लेते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, एक दूसरे की हर काम में हेल्प होगी, तो हेल्प करता हूँ तुम्हारी, ऐसा नहीं है तुम्हारी। देखो तो अपने लिए नाश्ता तो तुम खुद से लगा ला सकते हो ना। ओके लगा लाऊंगा यार, चलो कोई आज के बाद से मेरे लिए नाश्ता मत बनाना, मेरा कोई काम मत करना, मैं अपने सारे काम खुद से करूंगा, प्रॉमिस। ये बस एक दिन का, एक दिन ये रूल फॉलो होता है, लेकिन दूसरे दिन से फिर अपने लाइन में। स्कूल जाओगे? आज नहीं जाऊंगा। फिर कब जाओगे? कल। कल जाओगे स्कूल? जाऊंगा। आज क्यों जाओगे? बाबा आज आता हूँ कुछ। आज जाओगे स्कूल? पक्का? पक्का। प्रॉमिस? प्रॉमिस। प्रॉमिस कर दो। अरे बाप रे। और गाइस पूजा नाश्ता लेके आ गई है, और नाश्ते में आज क्या है बताओ? ओ वाओ, स्पेशल छोले। तो गाइज मैंने अपने बालों में तेल लगाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा, मैंने कहा पहले नाश्ता ही लाती हूँ, क्योंकि मेरे को देखे ही थे अगर मैं नाश्ता नहीं लाऊंगी तो 12 बजे ही नाश्ता करेंगे। तो कल रात मैंने बनाए हैं छोले, लेकिन कल रात हमने खाना नहीं खाया, ना मैंने ना हस्बैंड जी ने, मम्मी ने खाया था थोड़ा बहुत, तो छोले बचे हुए थे, और आज मैं इनके लिए छोले ला के ला गई हूँ यहाँ पर गर्मा गर्म, और साथ में लाई हूँ 3 रोटी। 3 रोटी नहीं देते है ना, तो मैंने थोड़ी सी तोड़ ली है, इसको 4 कर दिया है। और गाइस नाश्ता मैंने कर लिया है, और गाइस छोले काफी टेस्टी हुए थे, मजा आ गया खाना खा के। तो पूजा बना रही है अपने लिए नाश्ता, नाश्ते में क्या बना रही हो? नाश्ता बनाया हुआ है। तो क्या कर रही हो? चाय बना रही हो? चाय बनाती हूँ, रोटी गर्म करती हूँ, उनको तो रोटी सब्जी दे दी है, ये तो होती है औरतों की बात, अपने बारे में नहीं सोचते, पहले तुम्हारे बारे में सोचा, ये गलत है, पहले अपने बारे में सोचना चाहिए पूजा, पहले आत्मा फिर परमात्मा। अरे मैंने कहा तुम खा लोगे छोले के साथ। अब तुमको एक चीज दिखाऊं? क्या? ये रहा दोस्तों हमारा पहाड़ी तोड़, अब इसका साग बनाना था, अभी मेरे को याद आ रही है फ्रिज के ऊपर, मम्मी लेके आए हैं इसको स्कूल से। तोड़ कब लेके आए मम्मी? मम्मी लेके आए हैं इसको। कब कब? पता नहीं, हमारे वहाँ रामनगर से आने से पहले। अच्छा, ये रहा तोड़, अब इसको साफ करके धोना है। आ मेरे को अभी याद आ गई, इसकी सब्जी बहुत टेस्टी होती है, तो आज इसको मैं धो दूंगी और शाम को इसकी बनाएंगे सब्जी, आपको भी दिखाऊंगी कैसे इसकी सब्जी बनाते हैं, मेरे को तो आती नहीं है, मम्मी आएंगे उसके बाद से ही इसकी प्रोग्रेस जो है चालू होगी। क्या होगी का? प्रोग्रेस। प्रोग्रेस। बड़ी इंग्लिश मैन बन रहे हो आजकल। तो इंग्लिश ऐसे छोटे छोटे वर्ड बोल के ही हमें इंग्लिश आएगी, क्योंकि हमें जितनी आती है उसको यूज करना चाहिए। तुम्हें तो बिल्कुल नहीं आती है। आती, आई नो दैट, आई नो दैट आता है। इसका हिंदी बोला क्या होता है? आई नो दैट का मतलब मुझे पता है, मुझे पता है। तो गाइस फाइनली मैंने पूरे घर की साफ सफाई कर दी है, और अब सफाई करने के बाद आ गई है बारी वंशु के नहाने की। तो यहाँ पे मैं वंशु के लिए गर्म पानी लगा गई थी रॉट में, और अभी ये गर्म हो गया है। तो गाइस वंशु के सिर में मैंने लगाया है शैम्पू, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे इन्हें नहाया नहीं है, तो आज शैम्पू से नहा रहा है। इसके बालों में ना डैंड्रफ हो जा रहा है, लड़कियों के भी इतना मुंह का जिन्हें नखरे वंशु ला के धरे। ये इधर सोना पानी गिरा दिया है इस लड़के ने। आ तेरी सजा, तेरे सर में पानी भी फेंक दूंगी, चल चल फेंक दूंगी, चुप जा फेंक दूंगी, क्या करूं, सर में पानी फेंक दो, सर में पानी फेंक दो, थोड़ा रो जा तू, सर में पानी फेंकू, सर में जाओ, सब देख रहे हैं तेरे को नंगा, कौन रो रहा है बोला, अरे पैंट मशीन आओ, ये रो रहा है। और गाइस हमारा आरो खराब हो रहा है, और जो सिंक की जो टोंटी है नल है वो भी खराब हो रहा है, तो भैया आ रखे उसको रिपेयर करने के लिए। तो गाइस ये वाला जो नल है ना ये खराब हो गया हमारा, खराब क्या हो गया, इसमें कुछ अटक गया इसके अंदर। तो गाइस आज हमारे वहाँ आ रखे हैं फिल्टर सही करने वाले भैया, फिल्टर से आरो सही करने वाले, आरो सही करने वाले भैया, और अभी ये हमको दिखा रहे हैं कि फिल्टर के अंदर कितनी गंदगी जमा हो गई है। तो गाइस ये है नया फिल्टर,
और ये एकदम पूरा सफेद है और सही है, साफ है। और ये हमने पिछले साल इसको लगाया था, ये देखो ये पूरा काला हो गया, ये है देखो गंदगी, वरना ये सफेद था जब इन भैया ने लगाया था ना, ये सफेद था पूरा, लेकिन अभी काला हो गया पूरा। इतना अंदर है देखो, ये इतना काला। भैया ने बोला अगर हम अभी चेंज नहीं कराएंगे ना तो पूरा जो है सिस्टम चेंज करना पड़ेगा और वो काफी महंगा पड़ेगा, तो इस वजह से हमने एक साल बाद आज इसकी क्या कर रखी है, सर्विस कर रखी है। यहाँ देखो ये पहले का था, ये अभी का है, कितना अंतर है, पूरा काला हो गया, पूरी मिट्टी है इसके अंदर ही, सेम ही। और एक साल बाद ये भी काला हो जाएगा, ये भी ऐसा हो जाएगा, ऐसा ही ना भैया, एक साल भैया हमारी टैंकी पूरे, आप हमारी टैंकी को देखोगे ना वो भी पूरी काली हो गई, काली हो जाएगी जितनी मिट्टी होगी काली हो जाएगी। सिंटेक्स तो पूरा काला हो गया, वो भी साफ करना हो गया है, उसको तो हर दो महीने में साफ कर रहे हैं। तो गाइस हमारा आरओ भी ठीक हो गया है, और गाइस आरओ से ना गंदगी बहुत निकल रखी है पौधे, तो गाइस हमारे वहाँ इतनी मिट्टी है पानी में, तो बिना आरओ के पानी पीना हमारे वहाँ इम्पॉसिबल है, तो पथरी भी होती है भाई ऐसे ही पानी पी के। तो फाइनली हमने आरओ भी ठीक करवा लिया, फिल्टर भी चेंज हो गया है। तो गाइस तीन फिल्टर चेंज करवाए हैं, एक ये वाला फिल्टर चेंज करवाया है, एक ये वाला फिल्टर चेंज करवाया है, एक ये वाला फिल्टर चेंज करवाया है। तो गाइस अभी दिन का लंच चढ़ा के मैं आ गई हूँ बाहर से, और मैं रात के डिनर की तैयारी करने लग गई हूँ, क्योंकि आजकल ना फ्री है, कुछ भी काम नहीं है खेत पाती के, तो फ्री हो रखे हैं। तो मैं आज कर रही हूँ तौड़ की सफाई, ये जो तौड़ है ये जंगली सब्जी होती है, तो मम्मी ना अपने स्कूल के साइड कहीं हुई होगी है तो वहाँ से लेके आ रखे हैं, और मुझसे बोल रखा है कि इसकी सफाई कर देना, दिन में अच्छे से धो धा के रख देना, और जब शाम को हम सब्जी बनाएंगे मैं बताऊँगी कैसे बनाते हैं, क्योंकि मैंने आज तक ना खाई है ना बनाई है, मायके में भी नहीं बनाई है ना ससुराल में बनाई है, फर्स्ट टाइम है, तो मम्मी से पूछूंगी शाम को कैसे बनती है सब्जी। और ये बन चुकी हरकत है देखो, उठ के जब से उठा है ना परेशान करके रखा है इसने, और अभी उठ के पता नहीं क्या करने में लगा हुआ है। क्या कर रहे हो अभी? मकान बना रहा। दिन भर मकान बना दे हुए, कितने सारे मकान बना के कौन रहेगा इन मकानों में? मैंने ये मकान बना लिया। वही जो हेलो कर दो, फिर मकान बना लिया तो गाइस को दिखाओ कैसे मकान बनाया। मैंने ऐसा मकान बनाया जो गिलास के अंदर अटक गया, गिलास के अंदर ही मकान बना दिया है। गाइस को दिखाओ, फेंक दो के मकान को, फेंक दो। अब दिखाओ, हाथ दिखाना एक बार। अब तो कम हो गई है, वो जा रही है कभी कभी। इसको ना मेरे को आईडिया आ रहा है, इसको ठंडे पानी से नहीं धोते होंगे, क्योंकि पिनालू भी अगर ठंडे से धोते हैं ना खुजली हो जाती है, इसको धोते होंगे गर्म पानी से। और गाइज अभी सारा अंदर का काम निपटा के मैं आ गई हूँ बाहर, तो सोचा था कि लंच करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, सो जाऊँगी धूप में, लेकिन मुझे याद आया कि अदरक तो मैंने अधूरी छोड़ दी थी काटनी, तो यहाँ पर कुछ अदरक रह गई थी, इसी को काटने के लिए अभी मैं बाहर से बैठी हूँ। और यहाँ पर देखो कितनी अच्छी सी खिली खिली धूप भी आई है, तो ये लोग भी आए हैं मेरे साथ, और यहाँ पर वंशु भी आ रखा है, वंशु खुद से अदरक काटने लग गया। बताओ छोटा बच्चा मेरे को कितना परेशान करने लग गया है। हाँ? जो इससे हाथ कट जाएगा नहीं कटेगा, बताओ, जिससे काम होता है वो काम कर नहीं रहा है, और जिससे बैठना चाहिए वो काम पर लग गया है। इसको छोड़ के क्या करूंगी? मेरी उसको साफ करना है, साफ कर दे। अच्छा तभी इसको छोड़ दो। इसको क्यों छोड़ू? छोड़ दो, खुद से पॉटी साफ करो। मैं नहीं करूंगी। तुम नहीं करोगी? नहीं। क्या करोगी? तुम बड़े बच्चे हो गए, खुद से पॉटी साफ करके आओ। मुझसे कह रहा है कि इसको छोड़ो, मेरी पॉटी साफ करो, आप पॉटी गिर गई है तो साफ कर दो। कर दो, खुद से करेगा। जब पापा को बताओ कहाँ पर पॉटी है, जाओ पापा साफ कर देंगे। पापा मेरे साथ चलो। हाँ चलो। इसकी मेमोरी इतनी तेज है ना, देख लो वही पर जाएगा। अरे हल्की सी पॉटी करी है, और पॉटी कर पहले, तब साफ करेंगे। हाँ और पोटी करो। तो गैस पूजा भी यहाँ पे अदरक छील ली है, और गैस अदरक का काम ना पिछले 3 दिन से चल रहा है हमारे वहाँ, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। अभी मैंने सुखा के दिया कुछ टैंकी के ऊपर से, तो लास्ट है बस ये। हाँ लास्ट, तो फाइनली आज हो जाएगा होपफुली। और गैस कुछ अदरक यहाँ पे सूख रहा है, देखो ये इसके बाद जब ये सूख जाएगा ना तो इसका बनेगा पाउडर। और गैस अभी शाम भी हो गई है, और मम्मी भी स्कूल से आ गई है, तो गैस अभी हमारा प्लान है कहीं जाने का। और गाइस मैं चुपचाप से बाइक बाहर निकाल लूँ, क्योंकि वंश तो दिखेगा ना फिर वो पीछे लग जाएगा, तो वंश से बच के हमको जाना है अभी। तो गाइस
अभी हम लोग जा रहे हैं पुल पर घूमने के लिए और यहाँ पर हमारे ताऊ जी चढ़े हुए हैं पेड़ में क्योंकि वो घास काटने के लिए आ रखे हैं ताऊ और ताई। तो ये रहे ताऊ जी, टॉप पे गए हैं ऊपर पेड़ पे। गाइस ये देखो ताऊ चढ़े हैं यहाँ पेड़ में, ये पूरे टॉप में गए ताऊ। और ये जो घास है इसको बोलते हैं हल्दू, तो ताऊ भी हल्दू का घास काटते हैं जानवरों के लिए। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं पुल के पास घूमने के लिए, लेकिन पुल अभी यहाँ पर से थोड़ी दूर है। तो अभी यहाँ पर हमको ताऊ जी लोग दिख गए थे तो हम यहीं पर रुक गए इनसे मिलने के लिए। और हमारे गांव में ना कुछ लोग बाहर से भी घूमने के लिए आ रखे क्योंकि हमारा जो गांव है वो टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं देखने को। तो आज आपको भी मिलाती हूँ मैं उन लोगों से। तो ये रहे, हेलो, हाय, हेलो, हाउ आर यू, हेलो हेलो। और छोटा सा एक बच्चा भी आ रखा है जो काफी सुंदर लग रहा है। नाम क्या तुम्हारा? व्हाट्स योर नेम? नेम नेम वेयर आर यू फ्रॉम? दिल्ली। जापान। नाइस टू मीट यू। अफगानिश हो? ओके ओके बाय। तो गाइज आप बहुत टाइम के बाद मैं इस पुल में आई हूँ, तो कभी कभार ना इवनिंग वॉक में आना चाहिए, रिलैक्स फील होता है ऐसी जगह पे आके। और आज अच्छा लग रहा है। और देखो यहाँ पर से कितने सुंदर से पहाड़ दिख रहे हैं गाइज, इनको देखने के लिए ही बाहर के लोग हमारे गांव में आते हैं। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं नदी में और गाइज अभी ना हल्का हल्का अंधेरा भी हो रहा है, तो हमारे गाँव में गाइज आजकल ना बाघ भी आ रहे हैं तो उनसे भी बच के रहना है और गाइज लाइफ को भी इंजॉय करना है। तो गाइज फाइनली हम लोग आ गए हैं पुल के नीचे और अभी यहाँ पर थोड़ी देर बैठते हैं। इस साइड को बहुत ज्यादा मछलियाँ हैं। तो गाइस ये रही पुल और पुल के नीचे का सीन कुछ ऐसा रहा। तो नदी में ना बहुत कम पानी है लेकिन एक बात है, जितना पुल के ऊपर ठंडा हो रहा है ना उतना पुल के नीचे नहीं हो रहा। यहाँ पर नदी भी है लेकिन यहाँ पर ठंडे का एहसास नहीं हो रहा। ये अभी चले गए हैं पत्थर के ऊपर, देखो गाइस इतने बड़े बड़े पत्थर हैं हमारे पुल पे। तो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं अभी पुल पे और अभी हम लोग जा रहे हैं घर। और गाइस अभी हल्का हल्का अंधेरा भी हो गया है, तो गाइस देखो इतने में अंधेरा हो गया, अगर हम मार्केट जाते तो शायद अभी तक मार्केट में होते। तो गाइज अभी हम लोग भी पुल से घर आ गए हैं और घर आने के बाद हमें पता चला कि चाचा लोगों ने जलेबी बना रखी है, तो अभी मैं जा रही हूँ चाचा लोगों के यहाँ गर्मा गर्म जलेबी लेने के लिए। तो अभी हम लोग आ गए हैं चाचा लोगों के घर में और यहाँ पर दादा बना रहे हैं अभी गर्मा गर्म जलेबी। और गाइस फाइनली रात भी हो गई है और हम लोगों ने आज गर्म गर्म जलेबी भी खाई, तो भी गाइस हमारा रात का डिनर बन के भी रेडी हो गया है। और गाइस आज डिनर में है जंगली तौड़, तौड़ बोलते हैं पहाड़, जंगली सब्जी, जंगली तौड़ मतलब तौड़ हुआ सब्जी, जंगली है और जो सब्जी है उसका नाम है तौड़। तो मम्मी स्कूल साइड कहीं से लेके आई थी तो आज पूजा ने वो तौड़ बना रखा है। तो गाइस यह देखो तौड़, और आज तौड़ हम पहली बार खा रहे हैं लाइफ में। पूजा ले आओ यार, भूख लग रही है। लोहट कैसे हमारे यहाँ लोहट 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 क्या हुआ यार? हमें यार लेसु कनी ने हमारे पहाड़ कनी लोहट लोहट हाँ। और गैस पूजा यहाँ पे खाना खा रही है और वंश ना पूजा को परेशान कर रहा है। वंश क्या बदतमीजी हो रही है, आप तो खाना खाते नहीं हो। वंशु और गैस हम लोगों ने खाना पीना भी खा लिया है, तो अभी हमारी हो रही है सोने की तैयारी। तो गैस आज का ब्लॉग भी हमारा हाँ हाँ, और गैस आज का ब्लॉग भी हमारा वन से एंड करेगा। एंड कर दोगे? हाँ। चलो एंड करो, चलो बोलो। अच्छा फोन पकड़ना है, फोन पकड़ के वीडियो एंड करोगे? प्लीज लाइक करना, प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, मेरे हाथ थक रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। आप बोलो मिलते हैं आपसे बाय नेक्स्ट ब्लॉग में, नए ब्लॉग में मिलेंगे, बाय बाय। आप गुड नाइट।